साथियों राम राम, जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय हनुमान। आज हनुमान जयंती है तो हनुमान जयंती के हिसाब से सुबह जल्दी उठ के मंदिर जानो तो भाई हिसाब से जल्दी उठ के काम धंधो सारो सलटायो, घर को प्रसाद बाजार में मिले को नहीं हो तो वो बोल के घर प्रसाद भी बनानो पड़ो, तो थोड़ो सो हलवो बना के मंदिर जाइए हो। तो मैं देखियो थाने भी बता दूँ कि आज हनुमान जयंती है, हनुमान जयंती की शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना सब लोगों ने। हनुमान जी महाराज पूरी आपकी कृपा बनाई रखे, वो बीमारी को जो दौर चल रही है कोरोना को, एम पर कोई हनुमान जी कृपा दृष्टि करके अपने बचा सके। तो देखो साहब प्रसाद बना गए मंदिर जाइए, घर आ गए, घर आने के बाद सारा जना प्रसाद खा लियो, तो घर आई बोली कि मीठे में तो प्रसाद मिल गयो, बाकी अब नमकीन भी कुछ खाने की जी मारी है, चटपटो बनाओ की आज। तो मैं बोलियो बता के बनाऊँ बा, बोली आलू टिक्की बना के खुआओ। तो देखो जी आलू टिक्की मैं खुद ही बना के खुवाई, तो मैं देखो थाने भी बहंगी रेसिपी बता दूँ कि यहाँ बनानी है, सीख लियो काम देवेगी। आलू लेनो है, आलू ने बढ़िया तरीके से धो गए, एकदम पोंच गए, साइड में रख दियो सूखने तक, अच्छी तरह सूख जाओ है तो बहंगे बाद में थाने कोई लंबो चौड़ो काम को नहीं। बहुत सारी रेसिपी है, एक मार्कर पेन लियो लाल रंग को और बहंगे माथे के ऊपर एक बिल्कुल सेंटर में लाल रंग की टिक्की बना दियो। तो आ लो जी आलू टिक्की तैयार है, आप बना दी, मैं तो मैंने घर वाले ने खुआ दी, तो थे भी कोशिश कर ली हो, बढ़िया चीज़ है, इसी कोई बात को नहीं। अब साहब आलू टिक्की खाए बाद में तबीयत थोड़ी सी मेरी नरम होगी, मैं चले गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाते ही संदीप जी मिले, संदीप जी डुडानी डॉक्टर साहब नोरा रहा, तो वह मेरी सारी चीज चेक कर गए और बोले कि भाई साहब और तो सब ठीक है, मनने लगा कि थारे में विटामिन सी की कमी है। मैं बोलो डॉक्टर साहब सही कौन पकड़ी बीमारी, विटामिन सी तो आज से 20 साल पहले 44 किलो आयो और अब 85 किलो हो रही है, तो विटामिन सी की तो कमी मेरे में तो कोनी, आ थारे कोई भूल है थे ढंग से देखो। मैं दोबारा ध्यान से देख दागे, मैं बोलिया विटामिन सी की अगर पूर्ति है तो विटामिन बी की कमी लगे मैंने थोड़ी सी थे, कुछ दवाई पानी लियो ना, विटामिन बी की भी कमी को नहीं। विटामिन बी दो है, एक तो 18 साल की को है, एक है 14 साल को, तो बताओ विटामिन बी की भी कमी किया मानू, आपने तो पूरा है विटामिन बी सी सारो ही। डॉक्टर साहब भी चक्कर में पड़ गया, मैं बोलिया कि भाई साहब अब ए दोनों विटामिन सही है, थारे पक्की 100% विटामिन डी की कमी मिलेगी। मैं बोलो डॉक्टर साहब थारी डॉक्टरी फेल है, मेरे में विटामिन डी ए टाइम तो बहुत फुल हो रही है, मतलब सुबह उठता ही विटामिन डी देने का चल है, विटामिन डी माने समझ गया डांग है, विटामिन डी डांग, क्या घर को काम करो, घर के काम की पूरी डांग रखे तो विटामिन डी भी ए दिन में तो पूरा चल रही है, आगे पीछे की तो मैं कूँ को दी। तो साहब डॉक्टर साहब आपकी कुर्सी छोड़ गया, बोलिया हॉस्पिटल थे संभाल लो, थार ली डॉक्टरी ठीक है, कल जाड़ को इलाज भी बढ़िया बतायो और आज थे विटामिन सारा ही पूरा बताओ जाएंगे, मतलब कोई आदमी की कमी नाम की चीज़ तो खोली। तो साहब देख लियो संदीप जी भी आज मैंने काम संभाला है, तो एक डॉक्टरी कर लियो ठीक रहोगा, ये वीडियो वाडियो बनाना छोड़ दियो। तो कुल मिला के बात आई है आज हनुमान जयंती है, अपन हनुमान जयंती बहुत बढ़िया तरीके को मनानी चाहिए, अपन अपने घर में टावरों को जन्मदिन भी बढ़िया मनावा। तो एक मेरा विचार है, मैं तो देखो मैं विचार के मुताबिक आज शाम ने ठीक 8 बजे छत पर जागे बढ़िया म्यूजिक के सागे हनुमान चालीसा को पाठ करूँगा और थारे से भी निवेदन करूं कि आपा ने हनुमान जी अगर अपना सबका इष्ट है आपा मानना तो मांगो बर्थडे आपने मनानो चाहिए, जन्मदिन मनानो चाहिए, हनुमान जयंती मनानी चाहिए। और लॉकडाउन तो चलन ही लाग रही है, लॉकडाउन में और काम सारा बंद है, तो कम से कम आपा अपने इष्ट को बर्थडे जन्मदिन जयंती तो बढ़िया तरीके मना सकाना। तो करियो विचार करियो आज शाम ने 8 बजे सही 8 बजे छत पर जागे म्यूजिक के सागे जितो आपा अपने मन से गा सका हनुमान चालीसा को पाठ करना है, कोई ज्यादा लंबो जोड़ो काम को नहीं। जय श्री राम।